जानते हैं हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का हमें माउंटेनिंग कोर्सेज करना एंड माउंटेन्स को प्रमोट करना। तो मिस्टर मिलन एंड हिज फैमिली वाज हियर एंड जैसे कि आपने देखा माता जो कि 81 ईयर ओल्ड है, दे वेंट टू संदकपुर एरिया फॉर ट्रैकिंग एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो उन्होंने किया, दे एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल टू डू रॉक क्लाइंबिंग ऑन तेंजिंग रॉक। तेंजिंग रॉक के बारे में आप सभी जानते हैं, आइकॉनिक रॉक है एंड वहाँ उन्होंने क्लाइंब करने के साथ उन्होंने जो योगासन किया है, सो आई थिंक इट्स इज लिंक विद द फिट इंडिया एंड योगा को प्रमोट करने का एक माध्यम मिल रहा है, तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था आप सबके सामने। सर ट्रैकिंग कितना दिन हुआ था? ट्रैकिंग उन्होंने 5 डेज के करीब। कहाँ कहाँ हुआ ट्रैकिंग? संदकपुर छोड़कर, संदकपुर से कहाँ कहाँ तक हुआ सर? फालुत तक गए थे और कल शाम को वापस आए हैं। और सबसे ज़्यादा क्या जज्बा जो होता है जो दुनिया को दिखाने का होता है कि यस वी आर द इंडियन, वी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग वी कैन डू एंड एनीथिंग वी कैन अचीव एज ए इंडियन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे माता जी का आपने एज देखा 81 ईयर्स का है एंड ट्रैकिंग भी किया और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के ट्रैकिंग किया, सक्सेसफुल वापस आए हैं यहाँ पे पूरा। और जाने से पहले तेंजिंग रॉक क्लाइंब किया और उसके ऊपर जा कर के वहाँ पर योगासन किया वहाँ पर, तो उससे एक तो तेंजिंग रॉक को हमें मोटिव मिलता है उसे साफ रखने का, उसको प्रमोट करने का, और तो साथ ही साथ योगा को अपनी लाइफ में अपनाने का एक हमें एक मौका और एक प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सर। दार्जिलिंग हिल मैराथन के लिए उसने भी बहुत मज़ा आया, लेकिन हमने सोचा कि दार्जिलिंग आ रहे हैं तो हम एक ट्रैक करना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सुना था कि यहाँ के ट्रैक्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो वी गॉट इन टच विद HMI और HMI ने कहा कि हम आपको क्रू दे देंगे, आप हमारे साथ चलिए, हम संदकपुर जाएंगे और संदकपुर से फालुट जाएंगे। तो हमने ऑफकोर्स सुना था संदकपुर के बारे में, लेकिन जो हमने देखा जिस तरह का ट्रैक है वो इतना खूबसूरत है कि बताने से पता नहीं चलता। वहाँ जाकर देखना, वहाँ का सनराइज देखना, सनसेट देखना, वहाँ के रेंजेस, इंडियन माउंटेन रेंजेस हैं, भूटानीज है, सिक्किमीज है, नेपाली माउंटेन रेंजेस हैं, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, मकालू है, इतने सारे पीक्स हैं, रेंजेस हैं, और ऐसा सनसेट, ऐसा सनराइज आप दुनिया में कहीं भी देख नहीं सकते। इतना खूबसूरत ट्रैक था, इतनी खूबसूरत जगह है, और जो HMI की टीम हमारे साथ आई थी उनके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा दैट वी वांट टू कम बैक अगेन एंड अगेन। और आपने वहाँ पे अपने माताजी को भी ले गया जो कि इतना हाई एल्टीट्यूड में। बिल्कुल, हमने जब सोचा कि हम दार्जिलिंग आने वाले थे मैराथन के लिए, मैंने अपनी माताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि वहाँ के ट्रैक्स इतने खूबसूरत है, मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं संदकफू तक चल के जाना चाहती हूँ। तो वो तो ट्रैकिंग की बहुत ही, वो उनको अच्छा लगता है ट्रैकिंग, और आज उनकी उम्र है 81 साल की है और पिछले 20 साल से वो ट्रैकिंग करती हैं, और इस समय उन्होंने मने भंजंग से लेके फालुट तक आई थिंक ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से ऊपर और 11-12,000 फीट की ऊंचाई है वहाँ पे, हम लोग पैदल गए, वो भी पैदल आई एंड शी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड शी इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कभी कभी 40 की उम्र हो गई, 45 की उम्र हो गई, हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन शी इज़ 81, तो वो लोगों को बताने के लिए और उनको समझने के लिए कि उम्र ऐसी होती है कि कभी भी हम कोई भी चीज़ अगर हम सोचे और सोच कर करें कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। मैराथन से लेकर ये ट्रैकिंग तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दार्जिलिंग में? बहुत ही अच्छा था। हमको लोगों ने पूछा भी पहले जाने से पहले कि कोविड चल रहा है, ये है वो है, क्या होगा, तो हमने सोचा कि अगर मैराथन की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है देन दे विल डेफिनेटली टेक ऑल द प्रॉपर प्रिकॉशंस, और हमने देखा कि इतने सारे लोग आए, मेरे ख्याल से जो 7 साल में जो उनका पार्टिसिपेशन नहीं था दार्जिलिंग मैराथन में, उससे भी ज़्यादा लोग इस साल आए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सिर्फ रनर्स का नहीं लेकिन जिस रूट पे हम दौड़े दार्जिलिंग में, बहुत ही खूबसूरत रूट था, थोड़ा चैलेंजिंग था ऊपर नीचे, हमने 21 किलोमीटर किया, मेरी बीबी अंकिता कुंवर उन्होंने भी 21 किलोमीटर किए, मेरी माँ जैसे मैंने कहा 81 साल की है उन्होंने 10 किलोमीटर किए, लेकिन जो लोग हर जगह अपने घर से बाहर आके जैसे उन्होंने इनकरेज किया, चीयर किया, वो बहुत ही खूबसूरत था। देखिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं एज के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ जी, जितना मुझे मैं कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। ये संदर्भ मुझे बहुत सालों से करना था,
इसलिए जब मिले ने कहा कि वो दार्जिलिंग जा रहा है, मैंने कहा चलो हम संदकपुर चलते हैं। तो ट्राई करना था, किया ऐसे मगर एक्सपीरियंस था ये जमाई के लोग बहुत ही अच्छे थे। मैं बहुत स्लो चढ़ती थी मगर सूरज और मिस्टर नॉर्ड्यूब मेरे साथ थे। चढ़ने में कोई दिक्कत हुआ था? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई। हाइट की भी मुझे दिक्कत नहीं होती। आपको दार्जिलिंग में कैसा लग रहा है, कैसा वेदर? बहुत अच्छा लग रहा है, हवा तो अच्छी है ही, लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के यंगस्टर्स के लिए आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? मैसेज तो नहीं देती हूँ, मैं इतना कहूँगी कि अपने सेहत का ख्याल रखना, रोज थोड़ा वक्त निकाल के कुछ तो एक्सरसाइज करना। सिर्फ चलना भी बहुत अच्छा है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा 5 मिनट अपना टाइम निकालिए और चलिए, बहुत अच्छी रहेगी सेहत। थैंक यू। Darjeeling has always been so, so wonderful. I love the people here, the food here. People are so warm and welcoming, and everything around is just, you can see the traditional amalgamation, you know, the cultural amalgamation. It's so beautiful. I always love it. I love the momos. बहुत पसंद है यहाँ के मोमोज। आपको वेज है या नॉन वेज? दोनों बहुत पसंद है, दोनों बहुत पसंद है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मुझे पता है यहाँ की लड़कियाँ बहुत फिट है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू ऑल नो दैट यू गाइज आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। जस्ट कीप एट इट, इफ यू आर रनिंग गो फॉर इट, इफ यू आर वॉकिंग गो फॉर इट, बट कीप एट इट, कीप योर फिटनेस, डोंट फॉरगेट इट। एंड यू हैव सच अ ब्यूटिफुल सराउंडिंग, यू कैन गो फॉर ट्रैक्स, यू कैन गो फॉर हाइक्स, यू नो, डोंट फॉरगेट इट। एंड आई थिंक यू शुड एनकरेज मोर एंड मोर girls to come out and go for trekking and hiking. अब ये पैंडेमिक सीजन में भी दार्जिलिंग में जाकर एक मैराथन करने के आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? दार्जिलिंग के लोग बहुत वाइज है, उनको पता है कैसे अपना ख्याल रखना है, तो वो लोग सब लोग आए, सब लोग अच्छे से, सब लोगों ने दौड़ा और सबको पता है कि हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको घर पे बैठ के भी कोई कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बाहर सब्जी लाने के लिए भी जाओगे और तभी आपको अगर वायरस कहीं से भी आया तो आपकी इम्यूनिटी से फर्क पड़ता है, यू नो, सो टू गेट योर इम्यूनिटी टू दैट लेवल यू हैव टू ईट प्रॉपरली, यू हैव टू रेस्ट प्रॉपरली एंड यू हैव टू एक्सरसाइज। सो आई थिंक दार्जिलिंग के लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, सो इसीलिए सब लोग आए और सब लोगों ने दौड़ा हमारे साथ। मैम संदकपुर का कुछ? संदकपुर वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, व्हाट अ वंडरफुल वॉक, वी वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम मानीभंजंग टू संदकपुर, and from Sandakpur to Falut was actually my the best part of the trek that I really really liked. It's because it was 21 kilometers, we took about 5 hours to complete it, and it was so beautiful, magnificent. On one side you can see Kanchenjunga and the other side, you know, once you go high up you can see the Everest. It's beautiful. If you have gone to Sandakpur you must go to Falut and by walking. Darjeeling town kaisa laga? प्यारा है, बहुत सुंदर है, आई लव दार्जिलिंग। कुछ डिसएडवांटेज? नो, नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, बट ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू।